मम्मा, आपने तो मुझे इंजेक्शन दिलवा दिया, फिर मुझे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आई है? जो बहुत डर लग रहा है मम्मा। आपको याद है ना, आज आपके नहीं दोस्त अंकल ने आपकी मम्मा की कितनी हेल्प की थी जब वो हॉस्पिटल में थी। तब आज उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? हाँ मम्मा, मैं करूंगा उनकी मदद। वो अंकल बहुत अच्छे हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। अभी कार में पापा ने भी समझाया था ना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ, फिर मैं अपने फ्रेंड अंकल की मदद भी करूंगा, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। यश, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। कुछ कुछ बात ऐसी है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। मेरा मेरा मतलब यह है कि सच्चाई यह है कि अंश मतलब के अंश अंश के हाँ, शोभा, सब ठीक है ना? आप यश जी को कुछ मत बताइएगा। आरती आ गई है अंश को लेकर और डॉक्टर ने इलाज भी शुरू कर दिया है। हमारी आरती स्वार्थी नहीं है दुबे जी, हमारे बेटे को जीवन दान देने के लिए आ गई है। अब जल्दी से वापस आ जाइए और यश जी को कुछ भी मत बताइएगा, मैं आपसे विनती करती हूँ। अपनी बेटी की गृहस्थी मत उछाड़िए, जल्दी वापस आ जाइए। हाँ हाँ शोभा, मैं आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। यश बेटा, मुझे जरूरी काम आ गया, जाना होगा। बाबूजी, कोई प्रॉब्लम? नहीं 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 यश जी, सब ठीक है, मैं आता हूं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो बाबूजी चाहकर भी मुझे बता नहीं पाए? आरती जी से जाकर पूछना होगा।
मैं ईश्वर का उपकार जिंदगी भर मानूंगी जिसने मुझे तुझ जैसी बेटी दी है। तूने मेरे प्रशांत को जीवन दान दिया है, उसे मरने से बचाया है। मुझे माफ कर दे आरती, उस दिन गुस्से में न जाने मैं तुझे क्या क्या कह गई। बेटा तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना? बुरा तो लगा था, बहुत बुरा लगा माँ। एक माँ होने के नाते बेटी से इतना नाराज हो गई। लेकिन आप एक माँ है, आपको सब अलाउड है। मिस्टर दुबे, ट्रांसप्लांट का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ है। आपके बेटे की तबीयत स्टेबल है और यह प्रोसेस हमें अभी दो बार और करना है। इसके लिए आपको डोनर को बुलाना होगा। अब आप अपने पेशेंट को मिल सकते हैं। थैंक यू शोभा, हमारा प्रशांत ठीक हो गया, कुछ नहीं होगा उसे, अब उसे कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई कमजोरी तो नहीं हो रही? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं मामा, मैं स्ट्रांग पापा का स्ट्रांग बेटा हूँ ना, तो दर्द कैसे होगा? फुटबॉल खेलेंगे, ओके? हाँ बेटा, हम खेलेंगे साथ में। कंदीलों से क्या होगा रामू? बड़े साहब ने तुझसे 100 कंदीले मंगवाई थी ना, तो कहाँ है वो? अभी तक क्यों नहीं आई? देख रामू, मुझे पूरे घर को रोशनी से सजाना है। घर का एक कोना भी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, समझे? जले करा। मेरी आरती की पहली दिवाली है ये। आप भूल रही हैं भाभी, सिर्फ आरती की नहीं परिधि की भी पहली दिवाली है इस घर में। अरे जीजी, मुंह से निकल गया। अब दोनों बहुएं एक साथ ही तो ब्याह कर आई थी घर में। बहुत देर हो गई, आरती पता नहीं कहां रह गई।
कहीं खरीदारी करने तो नहीं निकल गई? मेरे भगवान की कसम, पहली बार इतनी जोरदार ढंग से दिवाली मनाने का मौका मिला है उसे। जी खोल के खर्च कर रही होगी। देखा, 16 आने सच निकली ना मेरी बात। देखो कितनी सारी थैलियां लेके आरती बहू आ रही है वापस। क्यों आरती, कितने गहने और कपड़े खरीद लिए अपने लिए? मम्मा ने अपने लिए कुछ नहीं लाया, इसमें तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। आपके लिए, दादाजी दादी जी के लिए, ताऊ जी ताई जी, चाचू चाची और राम दुलारी अंकल के लिए, सब के लिए। दिवाली है ना? ये लो आपके लिए। अरे अंश, आप सबके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हो। चाचू आपके लिए पटाखे लेकर आए, ये लो। आरती, बेटा थक गई होगी, कल दिवाली है, खूब धूमधाम रहेगी, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तू जा, जाकर आराम कर ले, यश भी कमरे में ही है। आरती जी से मुझे माफी मांगनी ही होगी, मैंने उनसे झूठ कहा। भाऊजी ने फोन किया था और मैंने उनसे कहा कि क्लाइंट का फोन था। वजह चाहे जो भी हो, मुझे उनसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। अब जैसे ही वो आएंगे, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। सॉरी यश जी, आज फिर से आपसे एक बहुत बड़ी बात छिपानी पड़ी मुझे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं आपसे माफी मांग सकूं और आपको सारी सच्चाई बता सकूं। असल बात यह है कि मैंने आपसे एक बात छिपाई है। आपके पूछने के बाद भी मैंने आपसे छूट कहा। रास्ते में जब घर वापस आ रहे थे, वो जो क्लाइंट का फोन आया था, दरअसल वो क्लाइंट का फोन नहीं, बाऊजी का फोन था, मतलब दुबे जी का।
वो मुझसे अकेले मिलना चाहती थी। आरती जी, वो बाबूजी बहुत परेशान थे, कुछ कहना चाहते थे मुझे, लेकिन तभी एक फोन आया और वो वहां से चले गए। मुझे लगता है आरती जी की उन्हें कोई हेल्प चाहिए थी, लेकिन हेल्प मांगने में वो हिचकिचा रहे थे। और मुझे लगता है आरती जी, आपको एक बार बाबूजी से बात करनी चाहिए। जी, आई एम श्योर आरती जी कि आपको बहुत बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी आरती जी। आरती जी, आप तो जानती हैं कि मुझे खुद झूठ से सख्त नफरत है, लेकिन आरती जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये मेरा पहला और आखिरी झूठ था। इसके आगे मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहूंगा। आरती जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं जी, आप माफी मत मांगिए। आपने अगर झूठ बोला भी है तो किसी धोखे के इरादे से नहीं बोला, वो तो आपकी मजबूरी थी। और ऐसे में कोई इंसान और घर भी क्या सकता है। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। वैसे आरती जी, आपको भी कुछ कहना था ना? जी, रुक जाओ आरती। प्रशांत की सच्चाई अगर अभी अशी को तुमने बता दी तो हो सकता है कि तुम प्रशांत की जान ही ना बचा पाओ। कुछ नहीं अच्छी, वो इतना जरूरी नहीं है, बाद में बात कर लूंगी। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। सत्तर हजार चार सौ इतनी महंगी दवाई? हाँ मैडम, ये इंजेक्शन महंगे हैं, जब बीमारी जानलेवा है तो इलाज तो महंगा होगा ही। जब एक इंजेक्शन इतना महंगा हो सकता है तो इलाज तो और भी महंगा होगा। मुझे माँ बाबूजी से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी, हो सकता है उन्हें सच में पैसों की बहुत जरूरत हो। सारी कंदिल मिल गई है, इनफैक्ट मैंने लगा भी दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आरती जी कंदिल को देखकर बहुत खुश होगी। और सुनो, थैंक यू वेरी मच आरती जी को सरप्राइज देने में मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। यश जी मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं, मुझे भी अपनी सारी तकलीफों को भूलकर उनके सामने खुशी से पेश आना चाहिए। पुनर्विवाह।